सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है मयंक और आप देख रहे हैं मयंक S41 यूट्यूब चैनल। सो गाइस, फाइनली वो दिन भी आ चुका है जब अपन अपनी साइकिल में डिस्क ब्रेक इंस्टॉल करने वाले हैं। अभी मैं यहां पे सिर्फ रियर डिस्क ब्रेक इंस्टॉल कर रहा हूं और यहां पे आप लोग देख सकते हैं मैं कैलिपर लगा के चेक भी कर रहा था। ये मेरा पुराना वाला कैलिपर है और इसको लगा के मैं चेक कर रहा था तो ये परफेक्टली फिट हो चुका है। तो अब मैं रेडी हूँ यहाँ पे डिस्क ब्रेक लगाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे से काम कर रहा है। बस यहाँ पे वायरिंग करनी है और आगे में मैं नहीं लगा रहा हूँ, आगे में अभी जो पावर ब्रेक्स है वो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो जब मेरे पावर ब्रेक्स खराब हो जाएंगे तब मैं लगाऊंगा। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पिछले वाले में पावर ब्रेक्स खराब हो चुके हैं, बस मैं यहाँ पे एक अच्छे लुक के लिए लगा रहा हूँ क्योंकि ये जो क्लैंप है मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है और जब यहाँ पे डिस्क ब्रेक लग जाएगा ये नेक्स्ट लेवल लुक आने वाला है। तो चलिए मैं आपको सामान दिखा देता हूँ और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, मैं ये सब सामान का यूज़ कर रहा हूँ। कैलिपर मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। यहाँ पे मेरे पास है बिटवीन की वायर, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे को वो बॉक्स में निकली थी जो अपन को भैया ने दिया था। और ये मेरे पास हब है, ये हब मैं नया लेके आया हूँ। और ये डिस्क है, ये डिस्क प्लेट है, ये भी मैं नई लेके आया हूँ। और ये 140mm की डिस्क प्लेट है, ये मैं लेके आया हूँ। और ये सब कुछ अपनी ऑक्टेन में लगने वाला है, उसके बाद इसकी ब्रेकिंग देखेंगे अपन कैसी है कैसी नहीं है। तो चलिए इसको चलते हैं और ये हब लगवा के लेके आते हैं। ये प्लेट है वो एकदम एक्यूरेट लगी हुई है, जरा सी भी नहीं हिल रही है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। इसके जो थ्रेड है वो अच्छे से मैच कर रहे हैं हमने और इसको अच्छे से लगाया है। तो चलिए इसको साइकिल में इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद कैलिपर इंस्टॉल करते हैं, उसके बाद वायरिंग करते हैं और देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। सो गाइस, ये वाला कैलिपर मैं यूज़ कर रहा हूँ, अपना पुराना वैनम वाला ही। और जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इसकी कंडीशन इतनी भी बुरी नहीं है, पर इसको मैं आगे जाके रिप्लेस कर दूंगा। अगर मैं डिस्क ब्रेक ही यूज़ करता हूँ तो आगे जाके इसको रिप्लेस कर दूंगा। अभी आप लोग जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इसके ब्रेक शू है वो काफ़ी बचे हुए हैं, तो अभी अपन को इसके ब्रेक पैड्स चेंज नहीं करने पड़ेंगे। अगर आपको ब्रेक पैड्स चेंज करना सीखना है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। उस पर मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है इसके डिस्क ब्रेक पैड चेंज करने पर। तो चलिए अभी इसको यहाँ पे इंस्टॉल करना है अपन को। इंस्टॉल के लिए अपन देख लेते हैं इसको कि कैसे फिट करना है और फिर इसको इंस्टॉल करते हैं। तो चलिए आगे करते हैं। सो गाइस, मैं इसको यहाँ पे फिट कर रहा हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे अब इसको मैं फिट करता हूँ। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो अपना कैलिपर है वो परफेक्टली लग चुका है। और यहाँ पे अगर आपको मैं डिस्क की वर्किंग दिखाऊं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कितने अच्छे से वर्क कर रहा है। एक बार और देखते हैं अपन, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है। ये देखिए, यहाँ पर अपनी वर्किंग हो रही है और यहाँ पर अपने पास वायरिंग भी है। ये ओल्ड वायरिंग है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा ब्लैक वाला वायर ऐड कर दिया है। तो चलिए इसको भी जल्दी से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। गाइस, फाइनली अपनी साइकिल में हो चुकी है यहाँ पे डिस्क ब्रेक इंस्टॉल। आप लोग देख सकते हैं ये वर्क भी कर रही है कितने अच्छी तरीके से। और एक बार पैडल घुमा के अपन देखते हैं
और ये देख सकते हैं किस तरीके से रुक रही है, अलग ही मजा आ रहा है। और जो अपन को इसमें जो मेरी साइकिल में ऑलरेडी क्लैंप यहाँ पे माउंट था, इसकी वजह से मेरे को एडवांटेज मिल गई। अगर आपकी साइकिल में भी स्पेस है तो आप जरूर से डिस्प्ले इंस्टॉल कराएं और देख सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ गाइस कि यहाँ पे पावर ब्रेक्स और डिस्क ब्रेक का एक थोड़ा सा कंपटीशन होना चाहिए, तो अपन देख सकते हैं कि किसकी कितनी अच्छी ब्रेकिंग होगी। तो मैं एक ये वीडियो भी आपके लिए लेकर आऊँ बहुत जल्दी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि फाइनली अपनी इसका लुक कितना अच्छा आ रहा है। और यही था गाइस आज की वीडियो के लिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया, पसंद आया तो प्लीज़ इसको एक लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।